हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम बिहार डियर एड इंट्रेंस एग्जाम 2024 और बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर जो हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके जो है रिपोर्डक्शन चैप्टर से रिलेटेड है यहाँ पर जो है हम कुल ट्वेंटी क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पंखड़ियों का रंग जो है अधिकतर होता है कैसा होता है पंखुड़ी जो होते हैं उसका रंग कैसा होता है पीला होता है हरा होता है लाल होता है या फिर सफेद होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हरा होता है जो पंखुड़ी होते हैं उसका अधिकतर रंग जो है वो ग्रीन होता है हरा होता है अगला क्वेश्चन हमारा फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्लांट्स में उसके बाद जो है फूल का जो अंडाशय होता है वो वही जो है वो क्या होता है फल में बदल जाता है आपका और जो बीजांड होता है जो बीजांड होता है ना वो बीज में बदल जाता है ओव्यूल जो होता है वो सीड में आपका कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो अंडा से ओवरी होता है वो फल में फ्रूट में बदल जाता है अगला क्वेश्चन है हमारा प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन के संबंधित है जो हमारा प्राग नलिका होता है पोलिन ट्यूब उसका जो है ओविल की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है हमारा ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन या रसायन अनुवर्तन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अनुवर्तन अगला क्वेश्चन हमारा भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है इसके लिए एक विशेष संरचना होती है इसे क्या कहते हैं तो जो होता है इसे जो हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं प्लेसेंटा से होता है जो विकसित होता हुआ इम्रियो होता है भ्रूण होता है माता के शरीर से जुड़ा होता है और उन्हीं के रक्त से उसे पोषण प्राप्त होता है और इसके अलावा जो इम्रियो के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं और सियोटू वगैरा होता है वो इसी प्लसेंटा के द्वारा जो है वो क्या होता है माता के शरीर से होता है वो बाहर निकल जाता है इस प्रकार एक संरचना होती है इसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा मीबा स्पाइडो इनमें से कोई नहीं तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा हाइड्रा जो है वो पुनरुद्भवन का उदाहरण देता है अगला क्वेश्चन है हमारा पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है पुंकेसर जो होता है एंथर वह पुष्प कौन सा जननांग है नर स्त्री इन दोनों तो पुंकेसर जो है वो क्या होता है नर जननांग है मिल जो है इसका पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है अगला क्वेश्चन हमारा पुष्प पुरुषों में योनारंभ के लक्षण है पुरुषों में जो है वो प्यूबर्टी का हमारा जो है वो लक्षण पुछ रहा है दाणी का उगना कंठ फुटना मांसपेशियों फूटना आना तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा स्त्रियों में यौनारंभ का लक्षण है तो स्त्रो की वृद्धि नितंबों का उभरना और रज धर्म का प्रारंभ होना तो इसका भी जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन सा है तो जो है विष्णु हमारा पूछ रहा है टेस्टीज और ये हो गया आपका शुक्रवाहिका वास डिफरेंस और ये मूत्र मार्ग हो गया आपका यूरेथ्रा जो है तो हमारा क्या हो जाएगा ये जो है ये सभी आते हैं जो पुरुष मनुष्य में जो नर जनांग के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया है अगला क्वेश्चन हमारा शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तो जो शुक्राणु स्पंप होते हैं उनका मोचन जो शुक्रवाहिका में होता है कहाँ होता है शुक्रवाहिका में होता है अगला क्वेश्चन हमारा स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है स्त्रियों में जो अंडाशय जो होता है ओवरी होता है उसकी संख्या कितनी होती है उसकी संख्या जो है दो होती है जो कि हमारा जो है यूट्रस जो होता है यूट्रस के साइड साइड से जो है दो ओवरी यहाँ पर रहते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है भ्रूण बिजानु युग्मनज जैन में से नहीं तो मैं हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं जयगोट कहते हैं ये जो हमारा क्या होता है डिप्लॉयड होता है अगला क्वेश्चन है में बने शुक्राणु जो संचित होते हैं तो हमारे टेस्टिज में बनते हैं वो क्या संचित होते हैं स्टोर होते हैं यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अधिवृष्ण में अगला क्वेश्चन हमारा वैसे परिवर्तन जो जीवो के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं वैसे परिवर्तन जो जीवो के नियंत्रण से बाहर होते क्या कहलाते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा निकेत कहलाते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का हमारा उदाहरण यहाँ रहा है हमारा ऑप्शन में पपीता सरसों उड़हुल या इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पपीता पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है उड़हुल जो है वह द्विलिंगी होता है सरसों भी द्विलिंगी होता है बाइस होता है अगला क्वेश्चन हमारा मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं यानी कि जो मेच्योर हो जाते हैं मानव जनन अंग हमारा तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसी आयु में तो यहाँ पर अठारह साल जो है हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है जो स्पर्म का होता है उसका निर्माण जो है वो कहाँ होता है या कहा होता है जो टेस्टिंग में होता है कहाँ होता है टेस्टिंग में होता है इसे हिंदी में वृष्ण बोलते हैं ऑप्शन ए जो हमारा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है जो सेक्स जो होता है उसका जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें तो यहाँ पर जो है पुरुष में स्त्री में पुरुष स्त्री दोनों में इनमें से जो है किसी में नहीं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्त्री में क्या हो जाएगा स्त्री में फीमेल में अगला क्वेश्चन हमारा हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि जो है कौन सा होता है हाइड्रो लिस्ट में हम लोग उन्हें जानते हैं मुकुलन होता है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्रवर्धन बीजाणु बीजाणुस विखंडन जो है नहीं होगा अगला क्वेश्चन हमारा पुष्प का कौन सा भाग जो है परागकण बनाता है पुष्प का कौन सा भाग जो ग्रेन का निर्माण करता है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है गन्ना में जो है गुलाब में और अंगूर में यहाँ पर ऑप्शन हमारा मुकुलन विधि कायक विधि खंडन विधि और विखंडन विधि तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किस विधि का तो कायक विधि का जो यूज किया जाता है गन्ना गुलाब और अंगूर की खेती में तो यहाँ पर जो है हमने कुल जो है आपके साइंस के लिए मोस्ट भी, भी आई क्वेश्चन को कर लिया आप लोग को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और भी न्यू वीडियोज के लिए हमारे चैनल के साथ जो हमेशा बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग